हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। पढ़ाई बहुत जबरदस्त और तगड़ी चल रही होगी, राइट। एफआर का पहला पेपर, और पहले पेपर में होना चाहिए बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस। याद रखना, अगर शुरू के पेपर में आपका तगड़ा कॉन्फिडेंस है, भले आपने पढ़ाई थोड़ी सी कम की है, पर कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छे लेवल पर पूरे एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। सो एफआर का 4 डेज स्टडी प्लानर मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्या करना है, ऑफकोर्स पहला पेपर एफआर का है, बहुत लंबा सिलेबस है, और हमेशा हमारी स्ट्रेटजी होती है कि पहले पेपर के लिए हम मिनिमम 3-4 दिन 5 दिन अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि इस टाइम पर अभी जब जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस टाइम पर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहे होंगे और आपने पहले से ही 4 या 5 दिन अलॉट करके रखे होंगे एफआर के पेपर के लिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या क्या चीजें, ये 4 डेज प्लानर के अंदर मैंने क्या क्या चीजें अज्यूम की हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 5 दिन दे रहे हो, सकता है कुछ बच्चे 3 दिन दे रहे हो। ऑफकोर्स 3 दिन से तो कम देंगे नहीं, ऑब्वियसली, नहीं तो बहुत बड़ी गलती करोगे। मैंने यहां पर 4 डेज एवरेज लिए हैं, 4 दिन लिए हैं मिनिमम से मिनिमम। मेरा ये पर्सनली मानना है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम देने जाऊं तो मुझे पेपर एफआर को 4 दिन देने चाहिए। अगर मैं 4 दिन से ज्यादा दे रहा हूं तो मैक्सिमम 5 दिन देने चाहिए, 5 दिन से ऊपर नहीं। 4 दिन से कम दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं फिर मेरा स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मैं 4 दिन के अकॉर्डिंग ये प्लानर बना रहा हूं, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपका 5 दिन का प्लानर है तो आप इसी को फॉलो करके अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये प्लानर में क्या क्या चीजें हैं ध्यान से सुनिएगा, ये प्लानर के अंदर क्या क्या चीजें हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्लानर डिस्कस करने से पहले कि पहले दिन आपको क्या करना चाहिए, दूसरे दिन क्या करना चाहिए, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एफआर का जो पूरा सिलेबस है उसको मैंने 7 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, 7 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, ठीक है। फर्स्ट को आपका पेपर है, 4 डेज के हिसाब से बनते हैं 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, 28, 29, 30, 31, 4 दिन का मैंने प्लानर आपके साथ ये शेयर किया है, इंक्लूडिंग 1 नवंबर के जो आपके पास 5-6 घंटे रहते हैं वो मिलाकर। तो मैंने एफआर के सिलेबस को सबसे पहले तो क्लासिफाई किया है 7 पार्ट्स में। वो 7 पार्ट्स क्या है, पहला पार्ट आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, सबसे हेडेक वाला पार्ट, आपका बीपी बढ़ जाता है, ठीक है ना। एवरेज 25 मार्क्स से 30 मार्क्स, कभी 25 कभी 20 कभी 30, ऐसे एवरेज पेपर में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन उठा रहे हो, मैंने अभी आपको सीक्वेंस नहीं बताया कि पहले आपको क्या उठाना है बाद में क्या उठाना है। अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एवरेज मार्किंग क्या है, एग्जाम में लगभग कितने मार्क्स का आएगा। अगर आप ये करते हो तो रिवाइज ऑल एडजस्टमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में ना बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, फेयर वैल्यू करना, डिविडेंड का सेटलमेंट करना, गुडविल का इंपेयरमेंट करना, रिवर्स एक्विजिशन, अरे यार बहुत सारे, मतलब ओवरऑल देखें तो 20 से 25 एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये 20 से 25 एडजस्टमेंट्स आप अच्छे से अगर निपटाना चाहते हो तो उसके लिए आप चार्टबुक से भी निपटा सकते हो। जो मेरा चार्टबुक है उसमें आपका जल्दी जल्दी रिविजन हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपको दिखेगा कई सारे एडजस्टमेंट्स, जैसे पीरियड मेजरमेंट, पीरियड विंडो, स्पेशल एडजस्टमेंट्स के नाम पे आपका एबनॉर्मल आइटम, आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं, स्टेप एक्विजिशन, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, गुडविल का इंपेयरमेंट, उसके बाद रिवर्स एक्विजिशन, चेन होल्डिंग, आपका लॉस ऑफ कंट्रोल, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल पैटर्न में चेंज होना, ठीक है ना। इसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर बेस अवार्ड्स, डी मर्जर, कॉमन कंट्रोल, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, प्रेफरेंस, इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं। सो इसमें एडजस्टमेंट्स कई सारे हैं। अब आपको किसमें क्या करना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के लिए ना आपको धैर्य चाहिए, आपको धैर्य मतलब पेशेंस चाहिए। आप पहले दिन ना बिजनेस कॉम्बिनेशन मत उठाना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस करने से पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपको समझना पड़ेगा कि 25-30 मार्क्स के लिए आपको धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो आपको सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट्स को एक बार प्रॉपर रिवाइज करना है, और फिर जो भी आपके एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, आपने अपने अपने पास क्वेश्चंस किट को टिक लगा के रखा होगा, आपको वो क्वेश्चंस रेफर करने हैं। कुल मिला के मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को 10 घंटे भी देते हो तो इनफ है, 10 घंटे से ऊपर देने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 25-30 मार्क्स के लिए मैं आपको अभी समझा दूंगा कि कहीं ना कहीं यही 25-30 मार्क्स किसी दूसरी कैटेगरी में आप अगर दोगे तो आपका 5 घंटे में भी हो सकता है। तो पहला वाला आपका जो कैटेगरी है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है। दूसरा कैटेगरी क्या है आपका, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक और हार्ट अटैक। कहीं ना कहीं बच्चों का बीपी, बच्चों का टेंशन इन दोनों टॉपिक्स में ज्यादा बढ़ जाता है कि अरे यार बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन इतना सारा करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अरे यार इतना कुछ करना पड़ेगा। एवरेज मार्किंग कितना है, 20 मार्क्स आता है, एवरेज 20 मार्क्स आता है। इसमें भी वही सब कुछ है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। पर मैं आपको बता दूं इसमें कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, तो वो तो करके ही जाना, ठीक है। एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपको इसमें टच करने पड़ेंगे।
इसको मैंने मेरे हिसाब से आपको 7 आवर्स देने चाहिए, ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आपको 7 आवर्स देने चाहिए। अगर आप देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर आपको 17 घंटे देने हैं, जिसमें आपका लगभग लगभग 45 मार्क्स कवर हो रहा है। बट आपको ये कैसे देना है, कौन से मोमेंट पे देना है, ये आपको पता चलेगा इस पूरे वीडियो में। अब स्मॉल टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स में क्या क्या आता है, स्मॉल टॉपिक्स में आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला टॉपिक हो गया, ठीक है ना, हार्डली 45 मिनट्स टू मतलब आधा घंटे से 45 मिनट्स, इंडेस 1 शेड्यूल 3 मिलके अगर आप पढ़ोगे तो हार्डली 45-50 मिनट्स के अंदर आपका रिविजन हो जाएगा। इंडेस 34 अगेन आधा पौन घंटा ऐसे करके, फिर इंडेस 7, 8, 10, 20, 24, 37, 113 CSR, ये इन सभी टॉपिक्स का अगर आप ओवरऑल वेटेज देखोगे ना तो आपका 20-25 मार्क्स कवर होता है। और ये आपका हेडेक वाला टॉपिक नहीं है, ये आपका हेडेक वाला टॉपिक नहीं है, नॉट अ टाइम टेकिंग टॉपिक्स, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट properly। अगर आप अच्छा, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां अगर आप 113 को छोड़ दो, CSR को छोड़ दो, तो आपको अगर आप अगर क्वेश्चंस नहीं भी देख के जाओगे या ऊपर ऊपर से एक आध क्वेश्चन देख के जाओगे तो भी चलता है। 113 में दो चार क्वेश्चन देख लिए, CSR में एक आध क्वेश्चन देख लिया, दैट्स इट। सो ये इक्वलेंटली कहीं ना कहीं आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बराबर है, पर आपके टाइम टेकिंग टॉपिक नहीं है, ये आपका 5 घंटे में हो सकता है। अब आप कंपेयर करो कि जहां आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप अपना बीपी बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, अरे यार इतना करना है बिजनेस कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहीं आपके स्मॉल टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं 20-25 मार्क्स के आते हैं और आप आराम से 5-6 घंटे में आराम से निपटा सकते हो, ठीक है ना। ये हो गए आपके स्मॉल टॉपिक्स। 115 ये वंस अगेन आपका बीपी बढ़ाने वाला टॉपिक है, आता एवरेज 12 मार्क्स का है, कभी दो क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स और 6 मार्क का, कभी एक ही क्वेश्चन आ गया 10 मार्क का, कभी दो क्वेश्चन आ गए 6-6 मार्क्स के, ठीक है ना, मैंने ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स रखे हैं। अब इसमें एक बात आपको याद रखना है कि 115 आप जितना भी पढ़ लो, मैं बोल रहा हूं जितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन तो नया ही आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो इसमें करना क्या चाहिए, इसमें करना ये चाहिए कि आपको ना सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब जो 5-स्टेप मॉडल है, आप पूरे पांचों के पांचों स्टेप्स को अच्छे से पढ़ के जाओ। 5-स्टेप मॉडल के अलावा जैसे कॉस्ट के ऊपर बात की गई है, रीपर्चेस एग्रीमेंट के ऊपर बात की गई है, ठीक है ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि वैसे भी नया केस स्टडी आएगा। आप कितने भी क्वेश्चन करके जाओ, केस स्टडी तो आपको नया ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो डू नॉट लीव एनी सिंगल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो आप पहले के पहले पूरे सारे करके जाओ, उसके बाद जितना ज्यादा हो सके उसके क्वेश्चंस देख के जाओ, रेफर करके जाओ, ज्यादा क्वेश्चंस देख के जाओगे तो आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि इंडेस 115 में सबसे बड़ा तकलीफ होता है आंसर लिखने के लिए, ठीक है ना। तो 115 में आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पूरा कंटेंट अच्छे से देख के जाना और क्वेश्चन जितने मैक्सिमम देख के जाओ। जैसे मैं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये नहीं बोलूंगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके जाओ, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन भी कर लिए तो चलेगा, थर्ड वाले स्मॉल टॉपिक में क्वेश्चन किए नहीं किए कोई बात नहीं, अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लिए। बट 115 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर कवर करके जाओगे, पढ़ के जाओगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको आंसर लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। ये हो गया 115, 12 मार्क्स एवरेज। उसके बाद असेट बेस्ड स्टैंडर्ड, अरे भाई ये है आपका कहीं ना कहीं सुकून वाले टॉपिक्स, सुकून वाले टॉपिक्स, जैसे इंडेक्स 16 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 2 हो गया, 41, 23, 36, 105, 116, एवरेज मार्किंग इसमें से 20 मार्क्स का आता ही आता है, ये स्कोरिंग कैटेगरी है, क्योंकि आपका सुकून वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, सुकून वाले टॉपिक्स हैं, स्कोरिंग कैटेगरी है। इसमें मैक्स टू मैक्स आपका सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, 116, आता साला 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेगा बहुत बड़ा टाइम, ठीक है ना। तो इसमें मेजरली आपको क्या ध्यान रखे जाना है 116 के अंदर, भाई लेसी की अकाउंटिंग बहुत अच्छे से ध्यान में दे जाओ और सेल एंड लीज बैक ध्यान में रखे जाओ, बाकी तो अगर तुम्हें दूसरा कुछ भी पूछ लिया गया तो इतना तो तुम गए गुजरे नहीं हो कि तुम्हें याद नहीं आएगा। तो एक लेसी की अकाउंटिंग ढंग से करके जाओ, लेसी की अकाउंटिंग के अंदर भी रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन अच्छे से करके जाओ, और उसके अलावा तुम सेल एंड लीज बैक वाला पार्ट अच्छे से करके जाओ, बाकी सारे पार्ट ना सब इजी है, सब इजी है। तो इन दोनों टॉपिक्स, इन दोनों पॉइंट्स पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देके जाना। तो 116 तुम्हारा टाइम टेकिंग है क्योंकि है बहुत बड़ा है, पर जबकि देखा जाए तो इसका मार्क्स वाइज वेटेज बहुत कम है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इंडेस 16, इंडेस 36 और इंडेस 116 इसलिए क्योंकि लीजर्स जनरली आता ही आता है, 16 और 36 मुझे लग रहा है इस कैटेगरी में ये तीन टॉपिक पूछे जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओवरऑल इस कैटेगरी को कितना दे सकते हैं अपन टाइम, 10 आवर्स। अच्छा, मैंने स्मॉल टॉपिक की कैटेगरी, ये क्या बोलते हैं 115 का मैंने आपको बताना भूल गया कि एग्जाम में तो नया क्वेश्चन ही आएगा, 2-2.5 घंटे आपको कॉन्सेप्ट्स, पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। अगर आपके पास मेरा चार्ट बुक है तो चार्ट बुक से आपके कॉन्सेप्ट ना थोड़े जल्दी रिवाइज हो सकते हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा दूं कि 115 में कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 115 में जैसे 5-स्टेप मॉडल है तो एक कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप नंबर 1 हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट का, स्टेप नंबर 2 में हो गया आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 3 में हो गया आपका ट्रांजैक्शन प्राइस, 4 में हो गया आपका एलोकेशन, फिर 5 में हो गया आपका रेवेन्यू का रिकॉग्निशन, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, लाइसेंस और रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे पॉइंट्स को करने के लिए आपका 2-2.5 घंटे आपका लग जाना चाहिए। उसके बाद 2 घंटे आपको देने हैं, 2-2.5 घंटे आपको देने सारे क्वेश्चंस देखने, मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप देख के जाओ, अलग 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 स्टेप्स के क्वेश्चन देख के जाओ, जितने क्वेश्चन ज्यादा देख के जाओगे आप
आप उतना आंसर अच्छे से कर पाओगे। तो इस स्कोरिंग कैटेगरी एसेट बेस्ड कैटेगरी में आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी देखोगे तो चलेगा, 10 घंटे आपको लगेंगे क्योंकि इसमें 116 बड़ा है और इंडेक्स 36 बड़ा है, ठीक है ना, तो आपको 10 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद एक है आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टैंडर्ड्स, स्पेशल स्टैंडर्ड जिसमें आता है आपका इनकम टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फॉरेन एक्सचेंज, ईपीएस 102 हमेशा आता ही आता है, और 108 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये भी आप देखोगे तो स्पेशल कैटेगरी से अगर आप पुराने हिसाब लगाओगे तो 20 से 22 मार्क्स आते ही हैं। ये भी अगेन इक्विवेलेंटली आपका स्कोरिंग कैटेगरी है, और मुझे इस बार लग रहा है ये तीन टॉपिक पे ज्यादा भरोसा हो रहा है, इंडिया 21, इंडिया 102 और इंडिया 108, मुझे ये तीन टॉपिक्स लग रहे हैं। कितना टाइम देना चाहिए, अगेन 9 से 10 घंटे आप इसको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे टॉपिक्स का वेटेज अच्छा खासा है, तो इसमें आपको 10 घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे से ऊपर नहीं लगने चाहिए, 10 के अगर 8 घंटे भी लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लास्ट कैटेगरी, मैंने ये लास्ट कैटेगरी जोर जबरदस्ती बनाई है, इंडेस वन को मैंने अलग कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि ना इंडेस 101 में ना बाकी सारे स्टैंडर्ड्स का कवरेज हो जाता है, तो आप जब तक ये सब कुछ नहीं कर लोगे तो आप इंडेस 101 को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे। और एक है आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब आप बोलोगे सर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने डाला ही नहीं, अभी उसके बारे में बात करूंगा मैं। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फंडा यह है कि वो थ्योरी टॉपिक है, तो इस कैटेगरी को मैंने दिया है लगभग 5 से 8 मार्क्स। अब जरूरी नहीं कि ये कैटेगरी में से क्वेश्चन आए ही आए, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है दोनों में से ना आए, हो सकता है दोनों में से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है किसी एक में आए, तो 5 से 8 मार्क्स की कैटेगरी है ये। 101 कहीं ना कहीं सारे इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं आपका रेक्टिफिकेशन है, लर्निंग आपको चाहिए इसमें, याद रखना पड़ेगा, कवर एटलीस्ट 1 बिग क्वेश्चन ऑफ 101 एंड 1 बिग क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको 101 अच्छे से करके जाना है तो कोई भी आईटीबी एमटीबी उठा लो, मेरे क्वेश्चन बैंक मैंने वैसे ही फ्री कर दिया, उसमें टॉप 170 क्वेश्चन दिए, उसमें से ही आप उठा लो, कोई भी एक बिग क्वेश्चन 101 का जरूर करके जाना, पूरा बिग क्वेश्चन मतलब जिसमें मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हो, और एक बिग क्वेश्चन आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करके जाना, कहीं ना कहीं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं 101 के जैसा ही होता है, ठीक है। ओवरऑल आपको इसको देने हैं 4 घंटे। 4 घंटे क्यों सर? 1 घंटा आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ले लेगा और बाकी 3 घंटे आपका ले लेगा 101। सर 101 को 3 घंटे आप ज्यादा नहीं दे रहे हो? मैं इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि उसमें आपको 2 क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाने हैं, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन देख के जाना है और एक 101 का एक अच्छा खासा टॉप बड़ा क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर हो रहे हो वो देख के जाना है, जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर हो रहे हो, तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे अच्छे से। 101 की कैटेगरी जो है उसमें आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपके मैंडेटरी एक्सेप्शंस और दूसरे होते हैं ऑप्शनल एग्जम्पशंस, तो ये दोनों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देके जाना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी कैटेगरी। अब अगर आप ओवरऑल करोगे तो 25 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, फिर 12 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, फिर 20-25 मार्क्स, 20-22 मार्क्स और फिर आपके 5 से 8 मार्क्स, आपका लगभग 120 मार्क्स का पेपर बनता है, प्लस माइनस हर कैटेगरी में हो सकता है। अब आप इसको मैक्सिमम वेटेज लोगे तो वो तो आपका हो सकता है 130-135 हो जाए, बट ऑन एन एवरेज मैंने ये लिखा है सब मार्क्स। अब ये हो गई आपकी कैटेगरीज। अब आपको कैटेगरी तो समझ में आ गया कि यार किस कैटेगरी में कितना कितना मुझे आर्स देना चाहिए। आप भी जानते हो कि आपकी सबसे बड़ी हेडेक वाली जो कैटेगरी है वो ये 2 है, हेडेक वाली कैटेगरी आपकी ये 2 है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आपको अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, आपका 4 दिन बाद पेपर है, ठीक है ना, आप क्या चाहोगे कि यार मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरे को एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरे पहले सबसे पहले ना 40-50 मार्क्स की ऐसा कवरेज कर लूं जिसमें टाइम भी कम लगे और जो स्कोरिंग भी हो और जो मुझे पता है कि यार ये तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया इसने, आपको यही करना है। आप क्या करेंगे 28 अक्टूबर को, ठीक है ना, 28 अक्टूबर को आप बिजनेस कॉम्बिनेशन तो उठाओ ही मत क्योंकि ये सबसे बड़ा हेडेक वाला टॉपिक है और आप इसमें बस बैठे रहोगे। सो 28 अक्टूबर को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उठा लो, उसको दे दो 7 घंटे और आप स्मॉल टॉपिक्स उठा लो। स्मॉल टॉपिक्स आप समझ गए ना, स्मॉल टॉपिक्स में कौन से बोल रहा हूं, स्मॉल टॉपिक्स मतलब ये वाली कैटेगरी स्मॉल टॉपिक्स। इसमें आपको कितने घंटे देने, 5 घंटे, मतलब आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 7 घंटे, 5 घंटे ये 12 घंटे। आपने पहले दिन 28 तारीख को अगर आपने 12 घंटे में आपको ये कवर करना है। अब अगर आपको लग रहा है नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही मेरा ना हेडेक वाला है, मैं इसको भी नहीं उठाना चाहता हूं, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जगह पर आप रिप्लेस कर दो स्पेशल कैटेगरी टॉपिक्स। स्पेशल कैटेगरी टॉपिक्स मतलब ये वाले 20-22 मार्क्स के, उतना ही वेटेज है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 20 मार्क्स का, इसका भी 22-20 मार्क्स का। इस कैटेगरी में से भी आपके आएंगे तो सही 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो आप स्पेशल कैटेगरी टॉपिक उठा लो, आपका ये भी स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग कैटेगरी है और इसमें आपको कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। आप इसको मतलब 10 मैक्सिमम बोले, कायदे से मुझे इसको 8 बोलना चाहिए, कायदे से मुझे इसको 8 आवर्स बोलना चाहिए, तो आप आराम से स्पेशल कैटेगरी टॉपिक्स और स्मॉल टॉपिक्स उठा लोगे, पहले दिन में आपका सफिशियंटली 12 घंटे हो जाएगा। एग्जाम डेज में मैंने जितना देखा है, मैंने जितना खुद से पढ़ाई की है, यार 14 आवर्स तो लग ही जाते हैं, 12 से 14 घंटे तो अपन पढ़ ही लेते हैं, इतनी एफिशिएंसी अपनी निकल जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर स्पेशल कैटेगरी टॉपिक उठाओ और स्मॉल टॉपिक्स उठाओ, पहले दिन में आपके 12 से 13 घंटे भी लग रहे हैं तो चलेगा। अब 29 अक्टूबर को अगेन आप असेट बेस्ड कैटेगरी उठा लो,
ठीक है ना। देखो यहां पर आपने क्या किया कवर, यहां पे आपके 20 मार्क्स कवर हो गए, स्मॉल टॉपिक्स में आपके 20 मार्क्स कवर हो गए, तो 20-20 आपके 40 मार्क्स की पढ़ाई तो आपके पहले दिन ही हो गई। अब अगर आप पहले दिन सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन उठाओगे तो आपके पास पढ़ाई सिर्फ 25 मार्क्स की होगी। जहां आपकी 40 मार्क्स की हो सकती है वहां आप बिजनेस कॉम्बिनेशन उठाओगे सिर्फ 25 मार्क्स की पढ़ाई कर सकते हो फर्स्ट डे, और वो भी फर्स्ट डे उठाओगे हो सकता है उसी में बैठे रहो, अरे यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, टेंशन ज्यादा, तो वो मत करना। तो 40 मार्क्स की पढ़ाई तो आपकी यहीं पर हो रही है। असेट बेस्ड कैटेगरी अगेन 20 मार्क्स की मिनिमम है, और सम पोर्शन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टैंडर्ड, मैं मान के चल रहा हूं कि ऊपर अगर तुमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उठाया होगा तो स्पेशल कैटेगरी अब उठाओगे, तो सम पोर्शन ऑफ स्पेशल कैटेगरी। असेट बेस्ड कैटेगरी को तुम्हें कितना देना है, 10 घंटे, क्योंकि मैंने ऊपर 10 घंटे अलॉट किए थे असेट बेस के लिए, ठीक है ना। और स्पेशल कैटेगरी के लिए मैंने लगभग 8 घंटे अलॉट किए थे, जिसमें से तुम 3 घंटे दे रहे हो, मतलब कुल मिला के तुम 13 आवर्स पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं सेकंड डे ऑफ योर प्लानिंग, मतलब 29th अक्टूबर को तुम एसेट बेस्ड कैटेगरी खत्म कर रहे हो 20 मार्क्स, और सम पोर्शन ऑफ स्पेशल कैटेगरी मतलब ये मान लो तुम तकरीबन 8 मार्क्स का यहां कवर कर रहे हो, तो तुम्हारा 20 और 8 क्या हो गया, तुम्हारा 28 मार्क्स यहां कवर हो गए। अब ध्यान से देखो, 40 मार्क्स तुमने यहां कवर कर लिए और तुमने 28 मार्क्स यहां कवर कर लिए, तुम्हारी स्टार्टिंग के 2 दिनों में 68 मार्क्स का हो चुका है। इस लेवल पर आके अगर 2 दिन के अंदर अंदर या 2.25 दिन के अंदर अंदर अगर तुम 68 मार्क्स का कवर कर चुके हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। अब जब तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन उठाओगे ना तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तुम बोलोगे आन दो, अब तो साला ऐसी की तैसी, अब मैं देख लूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं देख लूंगा। अब मैं आपको बता दूं, मैंने 30 अक्टूबर का दिन थोड़ा सा हल्का रखा है, क्योंकि 2 दिन ना तुमने अपने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया, तुमने 12 घंटे 13 घंटे दिया, तो 30 अक्टूबर का टाइम मैंने ना थोड़ा सा हल्का फुल्का रखा है कि चलो पिछले जो 2 दिनों में मैंने टारगेट बनाया था, अगर उसमें से मान लो कुछ चीजें नहीं हो पाई, हल्का हल्का बचा हुआ है कि अरे यार मेरा अभी स्पेशल कैटेगरी ज्यादा नहीं हो पाया, या स्पेशल कैटेगरी तो मैं निकाल ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं निकाल पाया, तो 30 अक्टूबर का टाइम मैंने ना तुम्हारे लिए बिल्कुल सेव करके रखा है कि चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आराम से कर लो, अगर थोड़ा सा बैकलॉग है तो भी उसको निपटा लो, तो बाकी का रिमेनिंग कैटेगरी ऑफ स्पेशल टॉपिक्स यहां पर कर लोगे। और तुम IND AS 27/28/111 ज्वाइंट अरेंजमेंट्स एसोसिएट्स और 27 आपका छुटपुट सा टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट इन क्या बोलते हैं आपका SFLs, ये उठा लोगे, तो ये भी अगर तुम 10 घंटे दे रहे हो, क्योंकि दो दिन तुम आराम से अच्छा खासा टाइम दे चुके थे, तो तुम्हें यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, तो यहां तुम्हारे बाकी के कहीं ना कहीं 12-1 मार्क्स यहां पर कवर हो रहे हैं, तो तुम्हारे 3 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं तुम अपने 80 मार्क्स कवर कर पा रहे हो, 40 यहां, 28 यहां, 12 यहां, 80 मार्क्स, और अभी तक स्टिल तुमने बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं उठाया है, ठीक है ना। मैं तुम्हें ये जानबूझ के रियलाइज करवाना चाहता हूं कि जो तुमने बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को इतना हवा बना के रखा है ना, उसको इंपॉर्टेंस उतनी ही दो जितनी उसकी औकात हो। अब आता है उसमें से 25 मार्क्स का है, ठीक है ना, 25 से 30 मार्क्स का है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आ जाते हैं, जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है उसको छोड़ भी दें फिर भी 5-8 मार्क्स से तुम आराम से निपटा लोगे, तो उतनी इंपॉर्टेंस क्यों देना, उतनी टेंशन क्यों करना, उतना ज्यादा टाइम क्यों देना जो कि वर्थ ही नहीं है जिसका। तो यहां तक आते आते 3 दिन में तुमने अच्छा खासा कवर भी कर लिया बिना बिजनेस कॉम्बिनेशन के, बिना कंसोलिडेशन के, सोचो इतनी अच्छी बात। अब तो तुम उठाओगे 31 तारीख को, मैक्सिमम पोर्शन तुम कर चुके हो, तुम्हारा लगभग हो चुका है यार, सब कुछ हो चुका है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह सब हो चुका है, अब तुम्हारा 2 ही चीजें बची हैं, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन और एक 115। मैं 115 को बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद में रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि 115 तुम जानते हो कि थ्योरी टॉपिक है, थ्योरी मतलब कहीं ना कहीं उसमें ना पढ़ना ज्यादा है, कॉन्टेंट ज्यादा है, मैंने बोला कि सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो फिर सारे क्वेश्चन को भी करो, इसलिए पहले तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन को टाइम दो। आरी बरी बात समझ में कि नहीं। अब तुम यहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को तुम कितने घंटे दोगे, 7 आवर्स दोगे। सर क्यों, आपने तो ऊपर 10 आवर्स बोले थे, पर मैंने यहां पर 10 आवर्स बोले थे कंसीडरिंग द फैक्ट कि 28111 भी है। अब मैंने आपको बोल दिया कि 28111 और 27 तो आपने 30th अक्टूबर को ही कर लिया, तो आपके पास बाकी का जो टाइम बचा है 7 घंटे में वो कर लो। सर उसमें मेजर चीजें किस पे ध्यान दे दे? देखो एक बेसिक्स पर ध्यान दो, कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में बेसिक्स में क्या क्या ध्यान देके जाना है कि भाई एनसीआई का क्या वर्किंग होता है, गुडविल का क्या वर्किंग होता है, ठीक है ना, बेसिक एक नॉर्मल बैलेंस शीट कैसे कैसे बनती है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स वगैरह कैसे उसका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, डेफर्ड टैक्स का क्या एडजस्टमेंट होता है, 110 में से पावर की डेफिनेशन, कंट्रोल की डेफिनेशन, हल्का फुल्का कुछ कुछ वहां से पढ़ लिया, तो बेसिक चीजें तो तुम्हें ये तो कवर करके जानी है। अब मेन स्पेशल चीजें कौन सी है, स्पेशल चीजें तुम्हारी रिवर्स एक्विजिशन है, मुझे नहीं लगता कि उसमें से आएगा इस बार, ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार आया था। चेन होल्डिंग है, मे बी शायद चेन होल्डिंग आ जाए, चेन होल्डिंग आपका 15 मिनट का चीज है कि यार चेन होल्डिंग में क्या एडजस्टमेंट होता है, गिनती के 2 एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है उसमें चेन होल्डिंग में, बाकी पूरा नॉर्मल होता है। सीसीबीसी है, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो छोटे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर लोगे तो ताकि बड़े टॉपिक्स के लिए टाइम आराम से मिल जाएगा। तो 7 आवर्स तुम दोगे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास 3 घंटे बचेंगे, तो तुम उन 3 घंटे में 115 के सारे कॉन्सेप्ट्स आराम से कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट्स जो 5-स्टेप मॉडल है आपका, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बातें, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, रीपर्चेस एग्रीमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस, ये सब पे तुम सारे कॉन्सेप्ट्स 3 घंटे में कवर कर सकते हो। अब तुम्हारे 4 दिन खत्म हो गए 31 अक्टूबर तक,
नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम है, ऑब्वियसली नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम है, तो मैं मान के बैठा हूं कि तुम 12 मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन एग्जाम है, एग्जाम 2 बजे होता है, उससे पहले तुम 2 घंटे पहले कॉपी वॉपी सब छोड़ दोगे, ये मैं मान के बैठा हूं। मतलब तुम 12 बजे तक ही पढ़ोगे, इसका मतलब अगर तुम सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ते हो तो तुम्हारे पास 6 आवर्स तो हो ही जाएंगे। तो उन 6 घंटों में तुम्हें क्या करना है, 2 से 2.5 घंटों में तुम्हें 115 के ना सारे क्वेश्चंस रेफर करने, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस रेफर करने, कुछ लिख के नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चंस रेफर करने। फिर उसके बाद तुम्हें 101 रेफर करना है, जो मैंने बोला कि 2 बड़े क्वेश्चंस और 101 के कॉन्सेप्ट्स और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को रेफर करना है। अब इसके अलावा अगर तुम्हें टाइम बचता है तो तुम आरटीपी नवंबर 22 को सिलेक्टिव बेसिस पे जरूर देख के जाना उसी दिन पे। तो फर्स्ट को तुम्हारे पास जो 5 से 6 घंटे बचेंगे उसमें तुम जितने क्वेश्चंस देख सको 115 के, बाकी 101 और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। याद रखना 101 इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मिलकर 5 से 8 मार्क्स का वेटेज है, और जरूरी नहीं कि ये आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में भी रखा है, और ये कहीं ना कहीं भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक प्लानर था जो कि मैंने तुम्हें 4 दिन के अकॉर्डिंग दिया है। मे बी तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं हल्का फुल्का अपने हिसाब से चेंज करूं, तो बिल्कुल तुम चेंज कर सकते हो। तुम्हारा प्लानर अगर हो सकता है तुमने 5 दिन का शेड्यूल बनाया है तो तुम तो और अच्छे से कर सकते हो कवर। तुमने अगर 3 दिन का बनाया है और इसमें तुम्हें लगता है कि तुम इसमें से कुछ कॉपी कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम देख लो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल है। सो अकॉर्डिंगली मेरा ये पर्सनली मानना है कि 4 दिन होने चाहिए, ना कम है ना ज्यादा है, परफेक्ट टाइमिंग है 4 दिन। सो आई होप आपको ये प्लानर समझ में आ गया होगा। इसका मैं आपके सामने ये जो फाइल है, पीडीएफ फाइल है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी एक और वीडियो डाल रहा हूं जिस वीडियो में मैंने ये बताया था कि टॉप 170 क्वेश्चंस आपको कौन से करके जाने चाहिए एग्जाम के लिए, और मैंने उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट पीडीएफ एक फाइल डाली थी जिसमें मेरे सारे प्लेलिस्ट हैं कि एग्जाम टाइम में तुम्हें कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए, कैसे कैसे ज्यादा ज्यादा कितना जल्दी तुम्हारा रिवीजन हो सकता है। तो मैं वो पीडीएफ वाला फाइल भी डाल देता हूं और मैं वो एक वीडियो डाल देता हूं जिस वीडियो के थ्रू तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने वो 170 क्वेश्चंस कौन से दिए थे। तो कुल मिला के दैट्स इट। ये प्लानर अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फालतू कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगा, मेरे काम का ही कंटेंट मिलेगा आपको, और ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ, ठीक है ना। पास अपन सबको होना है, सबको मिलके होना है, सबकी हेल्प करनी है, और याद रखना एग्जाम के 4-5 दिन पहले जितना ठंडा रहोगे, जितना कूल माइंडेड रहोगे, उतना एग्जाम अच्छा जाएगा। याद एक जरूर रखना कि अब तुम्हें नए कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने, अब तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उतना कवर करके जाओ, मजे से जाओ, कॉन्फिडेंट होके जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्फिडेंस ज्यादा ऊपर रहा और पढ़ाई थोड़ी कम भी रही तो भी तुम आराम से सीए क्लियर कर लोगे, ठीक है। सो पहला पेपर है, पहले पेपर के लिए अपने आप को काम डाउन रखना, जरूर काम डाउन रखना, और 4 दिन मिनिमम निकाल लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।